हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ नैनीताल से काला ढोंगी की रूट की अपडेट। के काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि शताब भाई, काला ढोंगी से आना नैनीताल एकदम सेफ है, रोड कहीं से जो है लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, उससे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ खूबसूरत नज़ारा, ये देखो। तो गाइज, ये वाले नज़ारे आप लोग जो है नैनीताल में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इन दिनों में आप लोगों को अगस्त में ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो आप ये फोग उठता हुआ देख सकते हैं, इसे बोलते हैं कोहरा। काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर कमेंट में बताते हैं कि शताब भाई, ये जो है बादल होते हैं, बादल नहीं दोस्तों कोहरा है। देखो सामने का नज़ारा देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी अपडेट दूंगा रोड की कि हाँ भाई, एकदम रोड बिल्कुल सेफ है, आप लोग आ सकते हैं। उसी के साथ ये देखिए, आप यहाँ से है अभी काला ढोंगी 29 किलोमीटर दूर और नैनीताल से अपने 32 किलोमीटर दूर। आज पूरी हमारी वीडियो जो है इसी के ऊपर, रोड के ऊपर रहेगी। तो वीडियो एंड तक देखना जो भी नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं, और ऐसे नज़ारे आपको जो मैं आज दिखाते हुए लेके चलूँगा काला ढोंगी तक। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती वादी देखने की मिलती है अगर आप लोग नैनीताल से काला ढोंगी साइड में जा रहे हैं, या काला ढोंगी से नैनीताल की तरफ आ रहे हैं, तो आपको जगह जगह से इस तरीके से व्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। जगह जगह पर इस तरीके से आपको झरने देखने के लिए मिलेंगे, देखने आप। काला ढोंगी और नैनीताल रोड पे दोस्तों पड़ता है वुडलैंड वाटरफॉल, जिसमें 50 रुपये एंट्री दे के आप लोग झरने के मजे ले सकते हैं। ये सामने देखें, और इसी के सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट है 3-4, और आज हम जा रहे हैं काला ढोंगी। तो गाइस, ये फॉग देख सकते हैं नैनीताल काला ढोंगी रोड पे, और सामने की जो हमारे आगे गाड़ी चल रही थी देखो गायब हो गई। तो नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं ना, तो नैनीताल पहाड़ों में दोस्तों हमेशा जुलाई अगस्त सितंबर में आपको इस तरह का मौसम मिलेगा। और जैसे अभी आप लोग अगर नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग गाड़ी जो है आराम से ड्राइव करिएगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक तरीके से फोग लगाओ मिलेगा आपको। ये देखो गाड़ी आ रही है, हेडलाइट है जो अपने जला के आइए इंजॉय करते हुए चारों तरफ की हरियाली देखते हुए। तो अभी आपने इससे पहले देखा होगा यहाँ पर कितना खतरनाक कोहरा लगा था, और आप देखो एकदम मौसम सफा हो गया। जितने हम नीचे को जाते रहेंगे इतना ही मौसम हमें क्लियर मिलता रहेगा। और ये व्यू देखो, ये पहले ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो ऐसी वादी देखना है तो दोस्तों नैनीताल आ जाइए इन्हीं दिनों में, बहुत ही आपको शानदार जगह जगह से आप लोगों को इस तरीके से देखने के लिए मिलता रहेगा। जैसे हम नीचे को आ गए हैं, यहाँ से काला ढोंगी बचा है 18 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे देखो फिर कोहरा आ गया है सामने। तो दोस्तों, अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हैं और आपको जो कोहरा मिलना है तो आप लोग आराम से ड्राइव करिएगा, यहाँ पे जगह जगह पे बहुत ही खतरनाक लगता है, जो पास का भी दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप स्लो ड्राइविंग करिए आराम से, फैमिली के साथ इंजॉय करने आ रहे हैं आप लोग, ज़्यादा स्पीड ना दिखाइएगा पहाड़ों में। देख सकते हैं आपको जगह जगह पर इतने प्यारे प्यारे झरने देखने के लिए मिलेंगे ना, आपको पैसा वसूल हो जाएगा इन दिनों में आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आ रहे तो। और ये देखो कहाँ से आ रहा है पानी, आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा। यहाँ पे जगह जगह पे आप लोगों को इस तरीके से मैगी के स्पॉट मिलते रहेंगे। ये देखें यहाँ पे मैगी बहुत ही टेस्टी मैगी मिलती है, स्पाइसी मैगी, जो पहाड़ों की काफ़ी फेवरेट हैं। और बहुत जल्दी आप लोग अगर भूख लग रही है तो आप लोग जल्दी यहाँ पर बनवा सकते हैं। यहाँ पर मंगोली में आपको दोस्तों, जैसे आप काला ढोंगी से आ रहे हैं, आपको पड़ेगी एक चौकी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा जो है लैंडस्लाइड हुआ था देख सकते हैं, और जेसीबी के द्वारा जो यहाँ पे देखिएगा एकदम तुरंत जो है सफा कर दिया जाता है रोड। ये देखें यहाँ पे हमेशा आपको इस रोड पे 3-4 जेसीबी हमेशा खड़ी भी मिलेंगी, क्योंकि बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है। और जैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है उसके कारण जो एकदम जेसीबी से हटा दिया जाता है। यहाँ पे हल्का सा जो है लैंडस्लाइड हुआ था देख सकते हैं, और जेसीबी के द्वारा जो यहाँ पे देखिएगा एकदम तुरंत जो है सफा कर दिया जाता है रोड। ये देखें यहाँ पे हमेशा आपको इस रोड पे 3-4 जेसीबी हमेशा खड़ी भी मिलेंगी, क्योंकि बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है। और जैसे यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है उसके कारण जो एकदम जेसीबी से हटा दिया जाता है।
तो गाइस फाइनली हम जो है काला ढूंगी उतर चुके हैं। तो दोस्तों नैनीताल अगर आप लोग आ रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेना, एकदम रास्ता सेफ है, कहीं से भी बंद नहीं है। हल्का फुल्का आपने देखा था लैंडस्लाइड हो रखा था, पर वो जो है जेसीबी के द्वारा जो है सफा कर दिया गया। उसी के साथ यहाँ पे देख कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये रास्ता जाता है नैनीताल के लिए और हम जाएंगे अभी काला ढूंगी के लिए। तो इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो में आज आप लोगों को बहुत ही फेमस दिखाने वाले हैं, गोलगप्पे वाले की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेंगे भुट्टे जो नैनीताल के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, चटनी के साथ हरी हरी चटनी होती है और हाय भाई सब खाने की तो मज़ा आ जाएगा। और इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं गोलगप्पे वाले, बरेनी में बरते हैं वो, काला ढूंगी से पड़ेगा कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले हैं बाजपुर। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपको मिलवाने वाले हैं गोलगप्पे वाले भैया से जो बरेनी में काफ़ी फेमस हैं, पर आज अफसोस की बात है दोस्तों वो आज आए नहीं हैं और पता नहीं क्यों नहीं आए, ये तो हमने वहाँ पे रोक के पूछा भी नहीं। तो अभी हम बाजपुर पहुँचने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, कल परसों देख लेंगे एक बार, अभी बीच में मुझे रामपुर जाना है तो उसके बाद ही खा लेंगे। तो अभी आप यहाँ का वेदर देख सकते हैं प्लेन्स का, और बादल लगे हैं पर गर्मी है हल्की हल्की सी, और ये ट्रैफिक भी देख सकते हैं यहाँ पे, आज ट्रैफिक भी इतना नहीं है जैसे हमेशा जो यहाँ पे हल्का फुल्का जो ट्रैफिक नज़र आता है, आज इतना ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है आप देखें। फाइनली दोस्तों हमने बाजपुर के अंदर एंट्री कर ली है, ये बाजपुर का पुल है और यहाँ पे हमेशा बरसातों में पानी खड़ा मिलता है, पर अभी देख सकते हैं हल्का फुल्का अभी भी, ये देखो अभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए बाजपुर चालू हो जाता है और बरसातों में बहुत ही भयंकर यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, इस तरीके से देखें दोनों साइड में देख सकते हैं, और यहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम। तो आज देखते हैं आज मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे गर्मी बहुत ही खतरनाक है, उमस वाली गर्मी है, एकदम पसीना आ जा रहा है। और आज यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है काफ़ी, आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा जब मैं जाता हूँ या मुरादाबाद या रामपुर या बाजपुर तक आते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तो आज इतना ट्रैफिक नहीं है जितना हर बार मिलता है। हम आ गए हैं बाजपुर के रेलवे फाटक पे, आज हमें ट्रेन नहीं मिली क्योंकि हमेशा यहाँ पे अक्सर जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे फाटक जो है नीचे मिलता है, पर आज नहीं है। और यह है बाजपुर का रेलवे स्टेशन, सामने ही देखें हमें वहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया जो आज आए नहीं थे तो मिले नहीं, तो हम वहाँ पे आ गए हैं। तो ये है बाजपुर, और बाजपुर पे जैसे ही फाटक पार करेंगे आपको लेफ्ट साइड में ही गोलगप्पे वाले भैया मिलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं आज भैया इनका टेस्ट कैसा है, उनसे अच्छा है या उनसे थोड़ा सा नॉर्मल ही है, ये अभी खा के बताएंगे आपको। और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी लोग खड़े हुए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। दोस्तों हमने गोलगप्पे खा लिए, बड़ी टिक्की खा ली, उसको बर्तन में कोल्ड ड्रिंक दे दी और अंकल के जो बहुत ही टेस्ट है हमें गोलगप्पे और बड़ी टिक्की लगी, एक बार ज़रूर आप लोग विजिट करिएगा। अगर आप लोग बाजपुर आ रहे हैं तो बाजपुर से फाटक पार के ही पास में जो अंकल लेफ्ट साइड में पेट्रोल पम्प से पहले ही जो ठेले लगाते हैं वहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। उसी के साथ दोस्तों हम अपनी लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं और आप जा रहे हैं अपनी वीडियो को एंड करने। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक और शेयर करना। और नैनीताल अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, बिल्कुल एकदम नैनीताल आना सेफ है, काला ढूंगी से नैनीताल वाली रोड भी एकदम सेफ है, तो बेफिक्र होकर आप लोग नैनीताल आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं अपनी एंड।